और ये है चटपटी मसालेदार दही वाली भिंडी की सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही वाली भिंडी की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्जी के लिए भिंडी लगभग 300 ग्राम लिया है और भिंडी को पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो कर लिया है। तो आप भिंडी को कट कर लेंगे, तो भिंडी को थोड़ा बड़े पीसेस में कट करेंगे और एक भिंडी में मैंने 3 पीसेस किए हैं। और भिंडी को कट करने से पहले पानी से धो लें, उसके बाद ना धोएं, क्योंकि भिंडी को कट करने के बाद पानी से धोएंगे तो उसमें से लसलसा पदार्थ निकलता है। तो सभी भिंडी को कट कर लिया है। ग्रेवी के लिए यहाँ पर 2 प्याज मीडियम साइज़ का और 3 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक लिया है। तो हमें इन सभी का पेस्ट बनाना है और सबको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लें। अब मिक्सर जार में अदरक लहसुन मिर्च लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो पेस्ट इस तरह से बना लिया है। अब प्याज का भी पेस्ट बना लेंगे, तो प्याज को भी थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। इसको भी पीस कर पेस्ट बना लेंगे, इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे। और सब्जी के लिए दही हमने 5 से 6 चम्मच लिया है। और दही को अच्छे से फेंट लेंगे, आप इस तरह से फेंट सकते हैं या चम्मच से भी फेंट सकते हैं। और दही को इस तरह से अच्छे से फेंट कर स्मूथ कर लेना है। अब सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल। अब तेल अच्छे से गर्म है, अब भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी को हमें मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। भिंडी को ढककर 2 मिनट पका लेंगे। आप चाहे तो भिंडी को बिना ढके भी खुला भी पका सकते हैं। ढककर पकाने से भिंडी थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भिंडी को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं और भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो भिंडी को फ्राई कर लिया है, अब ग्रेवी रेडी करेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो तेल हमने 1 बड़े चम्मच लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। हल्का सा जीरा को पकाने के बाद अब प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो प्याज का पेस्ट आप पीसे तो दरदरा ही थोड़ा पीसे, इसके पेस्ट को बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है। प्याज के पेस्ट को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें। और इसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। गैस का आँच मीडियम रखें और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ा सा ड्राई होने तक इसको भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट भून लिया है और अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 छोटा चम्मच बेसन डालेंगे। अब मसालों के साथ बेसन को मिला लेंगे और सभी को भून लेंगे। इसमें बेसन डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें हम दही का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि दही के साथ बेसन डालते हैं तो टेस्ट सब्जी का ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको लो फ्लेम पर भूनने के बाद अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले जले ना, और इसको अच्छे से भून लेंगे। और मसालों को हमें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भूनना है, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें। अब यहाँ पर मसालों को 2 से 3 मिनट भून लिया है, तो अब दही डालेंगे। तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और दही को एकदम कम आँच पर डालें। और दही को डालने से पहले अच्छे से फेंट लें, इससे दही फटेगी नहीं। और दही को मसालों के साथ मिला लेंगे और इसको मिक्स करते हुए पकाते रहें, छोड़े ना, छोड़ेंगे तो दही फट जाएगी। पहले दही को 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे, फिर उसके बाद गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक एक थोड़ा ड्राई ना दिखने लगे। और देखिए पेस्ट अच्छे से ड्राई हो गया है, पैन छोड़ने लगा है। तो बस अब इसको इतना ही भूनेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर पानी हमें जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से डालना है, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि सब्जियाँ पकी हुई हैं, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिला लेंगे। अब ग्रेवी उबलने लगा है तब इसमें भिंडी फ्राई किया हुआ डाल देंगे। अब भिंडी डालने के बाद यहीं पर 1 टीस्पून गर्म मसाला डाल देंगे और ग्रेवी में मिला लेंगे। अब इसको एक बार ढककर पका लेंगे। तो इसको 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मैक्सिमम 5 मिनट पकाएंगे। और ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है भिंडी की। अब सब्जी बन गई है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और इसको सब्जी के साथ मिला लेंगे। और ये सुपर टेस्टी दही वाली भिंडी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। ये सब्ज़ी दिखने में जितना अच्छी लग रही है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप भी भिंडी की सब्ज़ी बनाकर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।